शांति शांति शांति। ईश्वराम्बासुत श्रीमन् पूर्वा संध्या प्रवर्तते उत्तिष्ठ सत्यसाईशा कर्तव्यं दैवमान्हिकम् उत्तिष्ठोत्तिष्ठ परतीश उत्तिष्ठ जगतीपते उत्तिष्ठ करुणापूर्ण लोकमंगल सिद्धये चित्रावती तट विशाल सुशांत सौधे तिष्ठन्ति सेवक जनास्तव दर्शनार्थम् आदित्यकान्तिरनुभाति समस्तलोकान् श्री सत्यसाई भगवन् तव सुप्रभातम् त्वन्नाम कीर्तनरतास्तव दिव्यनामा गायन्ति भक्तिरसपान प्रहृष्टचित्ताः दातुं कृपासहितदर्शनमाशुतेभ्यः श्री सत्यसाई भगवन् तव सुप्रभातम् आदाय दिव्यकुसुमानि मनोहराणि श्रीपादपूजन विधिं भवदंघ्रिमूले कर्तुं महोत्सुकतया प्रविशन्ति भक्ताः श्री सत्यसाई भगवन् तव सुप्रभातम् देशान्तरागतबुधास्तव दिव्यमूर्तिम् संदर्शनाभिरति संयुत चित्तवृत्त्या वेदोक्तमन्त्रपठनेन लसन्त्यजस्रम् श्री सत्यसाई भगवन् तव सुप्रभातम् श्रुत्वा तवाद्भुतचरित्रमखण्डकीर्तिम्
व्याप्तां दिगंतर विशाल धरातलेस्मिन् जिज्ञासुलोक उपतिष्ठति चाश्रमेस्मिन् श्री सत्यसाई भगवन् तव सुप्रभातम्। सीता सती सम विशुद्ध हृदम्बुजाताः बह्वंगनाः करगृहीत सुपुष्पहाराः स्तुन्वन्ति दिव्यनुतिभिः फणिभूषणं त्वाम्। श्री सत्यसाई भगवन् तव सुप्रभातम्। सुप्रभातमिदं पुण्यं ये पठन्ति दिने दिने ते विशन्ति परंधाम ज्ञान विज्ञान शोभिताः। मंगलं गुरुदेवाय मंगलं ज्ञानदायिने मंगलं प्रतिवासाय मंगलं सत्यसाईने। ॐ शांति शांति शांतिः। ओम श्री साई राम। आइए हम भगवान श्री सत्य साई बाबा द्वारा बताए गए ज्योति ध्यान को सीखें और करें। अपने सामने एक ज्योति जलाएं, चटाई के ऊपर आरामदायक आसन में बैठें। अब रीढ़ की हड्डी को सीधा करें, गहरी श्वास अंदर लें और बाहर छोड़ें। श्वास अंदर लेते समय सो और छोड़ते समय हम का विचार करें। सो हम अर्थात मैं वही हूं, अर्थात मैं ईश्वर हूं। सो हम, सो हम, सो हम। ऐसा करते चलें। अब आंखें बंद करें और तीन बार ओमकार का उच्चारण करें। ओ
आंखें खोलें और ज्योति को देखें। आंख बंद करें और ज्योति को दोनों भावों के बीच में देखें और विचार करें, हे भगवान, आप ज्योति स्वरूप हैं। मैं आपके इस ज्योति स्वरूप को अपनी दोनों भावों के बीच में स्थापित करती हूं। आपसे प्रार्थना है, यह ज्योति मेरे तन मन और बुद्धि को शुद्ध और पवित्र करे, मुझे एक अच्छा प्राणी बनाए। ज्योति धीरे धीरे गले के अंदर से नीचे की ओर उतरते हुए हृदय चक्र में आ गई। यहां हल्के गुलाबी रंग का एक सुप्त कमल है। ज्योति उस बंद कमल के अग्रभाग से भीतर की ओर प्रविष्ट हो रही है। ज्योति से उस बंद कमल की पंखुड़ियां एक एक करके खुल रही हैं। अब पूरा कमल खिल उठा। ज्योति कमल के बीचों बीच पीले पराग कोश में चमचमा रही है। यहीं पर ईश्वर प्रेम रूप में निवास करते हैं। वह ईश्वर का कोई भी पसंदीदा मुदित स्वरूप हो सकता है जिसकी हम पूजा करते हैं। मेरे लिए तो वो सत्य साई है। ज्योति अब शरीर के सभी अंदरूनी अंगों में फैलती हुई शीर्ष भाग की ओर जा रही है। ज्योति दाईं आंख और अब बाईं आंख को प्रकाशित और पवित्र कर रही है। आंखें अब सभी में अच्छा ही देखेंगी। ज्योति धीरे धीरे दाएं कान और अब बाएं कान को भी प्रकाशित कर रही है। श्रवणम शक्ति प्रबल हो रही है। कान अब मधुर कोमल ध्वनियों को ही सुनेंगे, ईश्वर की महिमा के गीतों को सुनेंगे। ज्योति अब नासिका को प्रकाशित और पवित्र कर रही है। अब हम आसानी से श्वास ले सकते हैं। श्वास लेते वक्त अच्छे विचारों को अंदर ग्रहण करें और छोड़ते वक्त बुरे विचारों को बाहर कर दें। ज्योति मुख और जिह्वा को पवित्र कर रही है। हम मधुरता और कोमलता से बोलेंगे, केवल सत्य बोलेंगे। वाणी पवित्र हो रही है। अब हम मौन में रहना पसंद करेंगे, क्योंकि बस मौनता में ही ईश्वर की आवाज सुनाई देती है। अब यह जिह्वा केवल शुद्ध और सात्विक आहार ग्रहण करेगी। ज्योति अब मस्तक की ओर जाकर पूरे सिर को अंदर से प्रकाशित कर रही है। अब
मस्तिष्क के अंदर व्याप्त अंधकार और अज्ञानता का नाश हो रहा है। मन पवित्र और शांत हो गया है। पूरा शीर्ष भाग प्रकाशित हो गया। ज्योति और फैल रही है। वह सभी अंगों को पवित्र कर रही है। ज्योति से शरीर स्वस्थ और पवित्र हो रहा है। ज्योति अब दाएं कंधे और पूरे हाथ को ज्योतिर्मय कर रही है। अब वह बाएं कंधे और हाथ को प्रकाशित कर रही है। हाथ अब केवल अच्छे कार्य ही करेंगे, जरूरतमंदों की सेवा करेंगे। ज्योति अब फैलते हुए नीचे की ओर जा रही है। ज्योति दोनों पैरों में फैल रही है। अब ये दोनों पैर दिव्य ज्योति से चमक उठे हैं। वे पवित्र जगहों की ओर ही ले जाएंगे। अब ज्योति रीढ़ की हड्डी के निचले भाग पर है। ऊपर की ओर बढ़ते हुए यह पूरे पीठ के भाग को पवित्र कर रही है। पीठ दिव्य ज्योति से प्रकाशित हो गई। ज्योति अब गर्दन से होते हुए सिर में प्रवेश कर रही है। वह सिर के शीर्ष में फैल रही है। यहाँ मुकुट चक्र है, जिसमें कमल की 1000 पंखुड़ियां हैं। ज्योति के स्पर्श से यह सहस्त्र दल कमल खिल गया है और जगमगाने लगा है। मानो शरीर ने यह सहस्त्र दल मुकुट धारण कर लिया हो। ज्योति विशाल और प्रकाशवान हो रही है। वह शरीर के बाहर निकलकर पूरे परिसर में फैल रही है। ज्योति प्रेम युक्त होकर सभी परिवारजन, सगे संबंधी, पूर्वज, पालतू पशु पक्षी, मित्र और जिन्हें हम अपना शत्रु मानते हैं, उनमें भी फैल रही है। अब कहीं कोई शत्रुता नहीं है, केवल प्रेम है। निरंतर विशाल होती हुई ज्योति अब पूरे शहर, पूरे देश और पृथ्वी मां को ज्योतिर्मय कर रही है। हे पृथ्वी मां, हम आपके आभारी हैं। न जाने कितने जन्मों से आपने हमारा पोषण किया है। यह पवित्र ज्योति विशाल अंतरिक्ष में फैलती जा रही है। सभी जगह प्रकाश है। सभी जगह शांति है। सभी जगह प्रेम है। Thank you.
ज्योति अब धीरे धीरे पृथ्वी पर वापस आ रही है। अब देश में आ गई, अब शहर में और इस परिसर में आ गई। ज्योति अब ठीक सिर के ऊपर आ गई है। अब ज्योति धीरे धीरे सिर के अंदर से होती हुई हृदय चक्र में आ गई। पवित्र ज्योति हमारे हृदय में स्थापित हो गई है। इस ज्योति में हमारे श्रद्धेय इष्ट देव के दर्शन हो रहे हैं। मैं प्रकाश हूं, धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें और दिव्य ज्योति को प्रणाम करें। असतो मां सद्गमया, तमसो मां ज्योतिर्गमया, विद्योर्मा अमृतम् गमया। ओम शांति शांति शांति। जय साई राम। ओम श्री भगवान सत्य साई बाबाय नमः। ओम श्री साई सत्य स्वरूपाय नमः। ओम श्री साई सत्य धर्म परायणाय नमः। ओम श्री साई वरदाय नमः। ओम श्री साई सत्पुरुषाय नमः। ओम श्री साई सत्य गुणात्मने नमः। ओम श्री साई साधु वर्धनाय नमः। ओम श्री साई साधु जन पोषणाय नमः। ओम श्री साई सर्वज्ञाय नमः। ओम श्री साई सर्वजन प्रियाय नमः। ओम श्री साई सर्वशक्तिमूर्तये नमः। ओम श्री साई सर्वेशाय नमः। ओम श्री साई सर्वसंग परित्यागिने नमः। ओम श्री साई सर्वांतर्यामिने नमः। ओम श्री साई महिमात्मने नमः। ओम श्री साई महेश्वर स्वरूपाय नमः। ओम श्री साई प्रतिग्रामोद्भवाय नमः। ओम श्री साई प्रतिक्षेत्र निवासिने नमः। ओम श्री साई यशकाय शिरडीवासिने नमः। ओम श्री साई जोड़ी आदिपल्ली सोमप्पाय नमः। ओम श्री साई भारद्वाज ऋषि गोत्राय नमः। ओम श्री साई भक्तवत्सलाय नमः। ओम श्री साई अपांतरात्मने नमः। ओम श्री साई अवतार मूर्तये नमः।
ओम श्री साई सर्व भय निवारिणे नमः। ओम श्री साई आपस्तंभ सूत्राय नमः। ओम श्री साई अभय प्रदाय नमः। ओम श्री साई रत्नाकर वंशोद्भवाय नमः। ओम श्री साई शिरडी साई अभेद शक्त्यावताराय नमः। ओम श्री साई शंकराय नमः। ओम श्री साई शिरडी साई मूर्तये नमः। ओम श्री साई द्वारका माई वासिने नमः। ओम श्री साई चित्रावती तटपुट्टपर्ति विहारिणे नमः। ओम श्री साई शक्ति प्रदाय नमः। ओम श्री साई शरणागत त्राणाय नमः। ओम श्री साई आनंदाय नमः। ओम श्री साई आनंददाय नमः। ओम श्री साई आर्थत्राण परायणाय नमः। ओम श्री साई अनाथनाथाय नमः। ओम श्री साई असहाय सहायाय नमः। ओम श्री साई लोकबांधवाय नमः। ओम श्री साई लोकरक्षापरायणाय नमः। ओम श्री साई लोकनाथाय नमः। ओम श्री साई दीनजनपोषणाय नमः। ओम श्री साई मूर्तित्रयस्वरूपाय नमः। ओम श्री साई मुक्तिप्रदाय नमः। ओम श्री साई कलुषविदूराय नमः। ओम श्री साई करुणाकराय नमः। ओम श्री साई सर्वाधाराय नमः। ओम श्री साई सर्वहृद्वासिने नमः। ओम श्री साई सर्वपुण्यफलप्रदाय नमः। ओम श्री साई सर्वपापक्षयकराय नमः। ओम श्री साई सर्वरोगनिवारिणे नमः। ओम श्री साई सर्वबाधहराय नमः। ओम श्री साई अनंतनुतकर्त्रने नमः। ओम श्री साई आदिपुरुषाय नमः। ओम श्री साई आदिशक्तये नमः। ओम श्री साई अपरूपशक्तिने नमः। ओम श्री साई अव्यक्तरूपिणे नमः। ओम श्री साई कामक्रोधध्वंसिने नमः। ओम श्री साई कनकांबरधारिणे नमः। ओम श्री साई अद्भुतचर्याय नमः। ओम श्री साई आपद्बांधवाय नमः। ओम श्री साई प्रेमात्मने नमः। ओम श्री साई प्रेममूर्तये नमः। ओम श्री साई प्रेमप्रदाय नमः। ओम श्री साई प्रियाय नमः। ओम श्री साई भक्तप्रियाय नमः। ओम श्री साई भक्तमंदाराय नमः। ओम श्री साई भक्तजनहृदय विहाराय नमः। ओम श्री साई भक्तजनहृदयालयाय नमः। ओम श्री साई भक्तपराधीनाय नमः। ओम श्री साई भक्तिज्ञानप्रदीपाय नमः। ओम श्री साई भक्तिज्ञानप्रदाय नमः। ओम श्री साई सुज्ञानमार्गदर्शकाय नमः। ओम श्री साई ज्ञानस्वरूपाय नमः। ओम श्री साई गीताबोधकाय नमः।
ओम श्री साई ज्ञान सिद्धिदाय नमः। ओम श्री साई सुंदर रूपाय नमः। ओम श्री साई पुण्य पुरुषाय नमः। ओम श्री साई फल प्रदाय नमः। ओम श्री साई पुरुषोत्तमाय नमः। ओम श्री साई पुराण पुरुषाय नमः। ओम श्री साई अतीताय नमः। ओम श्री साई कालातीताय नमः। ओम श्री साई सिद्धिरूपाय नमः। ओम श्री साई सिद्धसंकल्पाय नमः। ओम श्री साई आरोग्यप्रदाय नमः। ओम श्री साई अन्नवस्त्रदाय नमः। ओम श्री साई संसार दुःखक्षयकराय नमः। ओम श्री साई सर्वाभीष्टप्रदाय नमः। ओम श्री साई कल्याणगुणाय नमः। ओम श्री साई कर्मध्वंसिने नमः। ओम श्री साई साधुमानसशोभिताय नमः। ओम श्री साई सर्वमतसम्मताय नमः। ओम श्री साई साधुमानसपरिशोधकाय नमः। ओम श्री साई साधकानुग्रह वटवृक्षप्रतिष्ठापकाय नमः। ओम श्री साई सकल संशयहराय नमः। ओम श्री साई सकल तत्वबोधकाय नमः। ओम श्री साई योगीश्वराय नमः। ओम श्री साई योगींद्रवंदिताय नमः। ओम श्री साई सर्वमंगलकराय नमः। ओम श्री साई सर्वसिद्धिप्रदाय नमः। ओम श्री साई आपन्निवारिणे नमः। ओम श्री साई आर्तिहराय नमः। ओम श्री साई शांतमूर्तये नमः। ओम श्री साई सुलभप्रसन्नाय नमः। ओम श्री साई भगवान श्री सत्य साई बाबाय नमः। ओम श्री साई राम। भगवान बाबा के दिव्य चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और आप सभी को मेरा सादर सप्रेम साई राम। आज का हमारा विषय है नारायण सेवा, नारायण से प्रेम और नारायण की सेवा। अस्थाई बाह्य जगत से शाश्वत आत्म आनंद तक नारायण सेवा से हमारा क्या तात्पर्य है? क्या यह केवल प्यार से पौष्टिक भोजन पकाने और व्यवस्थित तरीके से उसे जरूरतमंद लोगों को परोसने तक ही सीमित है? आत्म जागरूक बनो और यह जानो कि हम नारायण की सेवा कर रहे हैं, उस परमात्मा की सेवा कर रहे हैं जो उन सभी में निवास करता है। इसका अधिक व्यापक अर्थ क्या है? एक गूढ़ संपर्क? क्या इसका अर्थ है प्रत्येक मनुष्य और हमारे अंतर में स्थित नारायण के साथ एक आत्मिक संपर्क? नारायण सेवा किसी अन्य व्यक्ति की महत्वपूर्ण आवश्यकताओं को एहसास करने का आत्मज्ञान है, जिसके फलस्वरूप हम सभी भावनाओं से परे स्वतः ही अत्यावश्यक जरूरतों को पूरा करने के लिए स्वयं उठ खड़े होते हैं। यह हमारी अंतरात्मा के स्वसंकेत से दान की अनवरत प्रक्रिया है। इसमें किसी भी प्रकार के पुरस्कार या किसी ऐसे विचार का कोई स्थान नहीं होता जो कहता है कि मैं कुछ महान और अच्छा कर रहा हूँ। प्रकृति के प्रत्येक अंश स्वाभाविक रूप से नारायण सेवा में लिप्त हैं। भगवान सूर्य की जीवंत किरणों से लेकर
नदियों के पावन जल और वायुदेव के आशीष तक सभी प्रत्येक प्राणी को श्वास और जीवन ऊर्जा शक्ति प्रदान करते हैं। प्रकृति माँ का यह आशीर्वाद सभी को सुगमता से उपलब्ध है। पेड़ यह नहीं चुनते कि उनकी छाया या फल किसे मिलेगा और किसे नहीं, और ना ही फूल यह चुनते हैं कि उनकी सुगंध और मकरंद किसे मिलेगा और किसे नहीं। ना ही तारे चयनात्मक होते हैं, बल्कि वे तो सभी के लिए खुशी से टिमटिमाते रहते हैं। और उसी प्रकार ना ही सूर्य भगवान किसी प्रकार का पूर्वाग्रह दिखाते हैं। उनकी चमक, उनका तेज, उनकी ऊर्जा सभी को निर्बाध रूप से प्राप्त होती है। सभी के लिए उपलब्ध एक निरंतर, असीमित, अप्रतिबंधित प्रेम प्रवाह ही सर्वव्यापी नारायण की सेवा है। नारायण की सेवा करने वाले नारायण सबके साथ हैं, वे सभी के लिए उपलब्ध हैं। ये पक्षी, जानवर, मनुष्य, जाति, पंथ, लिंग या प्रजाति का किसी भी प्रकार का कोई भी भेद या पूर्वाग्रह नहीं रखते। आज प्रकृति माँ से प्रेरणा लेते हुए हम व्यापक और सार्वभौमिक नारायण सेवा में हिस्सा लें। अपने ही भीतर के नारायण को प्रेम और सम्मान देकर इसको आरंभ करें, यही हमारा आत्म सत्य है। हर कर्म को मुझे समर्पित कर दो। अपने पास से गुजरने वाले हर शख्स को अपनी मुस्कान की मिठास दो। अपनी खुशी और दया का प्याला, आनंद का अमृत उन्मुक्त रूप से सब पर लुटाओ। अपने दिव्य प्रेम का एहसास दो। दूसरों की मदद के लिए अपना हाथ वैसे ही बढ़ाओ जैसे मैं तुम्हारी मदद के लिए अपना हाथ बढ़ाता हूँ। बाबा, आइए आह्वान करें, जागृत करें, आत्मविलय करें और आत्म उत्थान करें। हम सभी दिव्य बनें, सभी प्राणियों में दिव्यता को देखें और उनकी सेवा करें। जय साई राम। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी सत्य साई हरे, भक्त जना संरक्षक, भक्त जना संरक्षक, पति महेश्वरा। ओम जय जगदीश हरे, शशि वदना श्रीतरा, सर्वा प्राणपति स्वामी, सर्वा प्राणपति आश्रित कल्पलतीका, आश्रित कल्पलतीका आवतांधवा। ओम जय जगदीश हरे, माता पिता गुरु दैवम मरियंतयुनीवे, स्वामी मरियंतयुनीवे, नाथ ब्रह्म जगन्नाथ, नाथ ब्रह्म जगन्नाथ, नागेन्द्रशयना। ओम जय जगदीश हरे, ओंकार रूप ओजस्वी हो साई महादेवा, सत्य साई महादेवा, मंगल आरती अंधुक, मंगल आरती अंधुक, मंगल गिरिधारी। ओम जय जगदीश हरे, नारायण नारायण ओम, सत्य नारायण 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 ओम, नारायण नारायण ओम, सत्य नारायण नारायण ओम, सत्य नारायण नारायण ओम। ओम जय सद्गुरुदेवा, नारायण नारायण ओम, सत्य नारायण 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 ओम, नारायण नारायण ओम, सत्य नारायण नारायण ओम, सत्य नारायण नारायण ओम।
सर्वलोकाः सुखिनो भवन्तु समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु ॐ